कोटाराम देवासी ने भी सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाला और सीएम भजनलाल से भी मुलाकात की। मेरे साथ कोटाराम देवासी साहब जुड़ गए, बहुत बहुत बधाई आपको नई जिम्मेदारी के लिए। क्या प्राथमिकताएं रहेंगे सीएम साहब से मिले आप? सीएम साहब जो निर्णय ले रहे हैं आने वाले समय में राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छे निर्णय होंगे, और जिस तरह का वातावरण राजस्थान में जो पहले की सरकार में बना था, उस सरकार का जो भ्रम था कि जिस तरह से भूख भय और भ्रष्टाचार किया, उसको लेकर के जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं आने वाले समय में अच्छा निर्णय होगा। 100 दिन की कार्ययोजना बनाई है, उसमें किस तरह का रहेगा कामकाज? 100 दिन की जो कार्ययोजना बनी उसमें भी अच्छा काम होगा, और अभी हम लगे हैं तो जल्दी से उसको अच्छा ही करेंगे। इसके अलावा एक चर्चा बीजेपी में हमेशा रही है कि बीजेपी का राज आएगा तो साधु संत और तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे देवासी साहब आप? साधु समाज और हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो महिलाओं का हुआ है। जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह की घटनाएं जो घटित हुई है, जिस तरह से हमारे साधु समाज में भी, जैसे वो खनिज विभाग में जो संत थे हमारे, वो जो दाह संस्कार हुआ, ऐसे करके जो संतों के अंदर भी हुआ है, तो जिस शासन का अंत होता है तो उसमें देखा है पहले भी, इतिहास उठा के देख लो, उसमें भी ये हुआ कि साधु संतों पर जो अत्याचार हुए तो कभी न कभी उसका नाश होता ही है। निश्चित तौर पे कोटाराम देवासी हमारे साथ जुड़े थे, मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई है और आज पदभार ग्रहण उन्होंने कर लिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद उनका कहना है कि 100 दिन की जो कार्ययोजना बनाई गई है निश्चित तौर पे उस कार्ययोजना के तहत सरकार काम करेगी। इस सरकार में महिला, गरीब, युवा, हर वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएंगी ताकि तमाम जो वर्ग हैं उनका उत्थान हो सके। कैमरा पर्सन गिरिराज गुप्ता के साथ दशरथ शेखावत, जिंटी।